जय सिया राम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, इस दीपावली के शुभ पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कामना यही करता हूँ कि माँ लक्ष्मी और प्रभु राम की आप पर इतनी कृपा बन जाए कि आपको हर कार्य में सफलता मिले और इस मानव जीवन को सार्थक करने का भी मार्ग खुल जाए। प्रेमी भक्तों, कुछ ऐसे ज्योतिष शास्त्र में उपाय बताए हैं, अर्थात उपाय बताए मैंने पढ़े भी हैं, अर्थात उनका तर्क वितर्क करके कुछ लोगों से थोड़ा सा अपना सामर्थ्य भी बढ़ाया है कि अगर मैं वीडियो बनाऊं तो कुछ तर्कपूर्ण जरूर हो। अर्थात प्रेमी भक्तों, इसके कई लाभ है, आप मान के चलिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से भी बात की है इस वीडियो को बनाने से पूर्व, जो यही कहते हैं कि ये कार्य बिल्कुल अचूक है, धन प्राप्ति हेतु बिल्कुल अचूक है। अगर आप इसको करते हैं, थोड़ा निरंतर करते हैं, कभी ना कभी, ऐसा मतलब कि जैसा कोई एक दिन निश्चित कर लेते हैं, जैसे कि रविवार है तो रविवार उत्तम है, अर्थात आप उनको खाना खिलाए, उस जीव को खाना खिलाए, तो आपके मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होंगे और धन प्राप्ति के अनेक मार्ग खुलने लगेंगे। अब प्रेमी भक्तों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मत्स्य अर्थात मछली की, कि मछली को क्या खाना खिलाना चाहिए कि अपने धन प्राप्ति के मार्ग खुल सके। प्रेमी भक्तों, देखें कि अर्जुन ने भी मत्स्य पे अर्थात मछली की आंखों में बाण चलाया था, और यहाँ पर भगवान विष्णु का भी एक मत्स्य अवतार हुआ है जो विशेष महत्वपूर्ण हुआ है। और मत्स्य अर्थात मछली है जो कि ग्रह नक्षत्रों और नक्षत्र को क्या प्रभाव डालती है, अर्थात इससे कैसे कैसे कष्ट दूर हो सकते, आपको जानकर हैरानी रह जाएगी। प्रेमी भक्तों, अब देखिए ज्योतिष शास्त्र में तो कई सारी बातें लिखी हुई, मगर जो मुझे अच्छी लगती है, जो एकाद एकाद में जो मानव अर्थात मनुष्य कर सकता है वैसी चीज़ें, क्योंकि धर्म ग्रंथ है जिसके धर्म शास्त्रों के हिसाब से वर्तमान समय में अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई मनुष्य बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं जी सकता, क्योंकि उन बातों का कहीं ना कहीं खंडन हो सकता है ऐसी उस जीवन से, कि अर्थ शास्त्रों में लिखी हुई बातों के आधार पर अगर आप जीवन व्यतीत करने लगे तो कहीं ना कहीं उन बातों का, उन गुणों का भी खंडन होता है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी थोड़ा वो काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अब देखिए कि मैं बात कर रहा हूँ कि मछली को क्या खिलाया जाए कि धन प्राप्ति हो सके, तो प्रेमी भक्तों यह जरूर सुने कि पहले उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए ज्योतिष शास्त्र में मछलियों को दाना डालने का उपाय बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बहुत सारे ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए उपाय भी बताए गए, जिसमें कि मछली को दाना खिलाने और उनसे महत्वपूर्ण उपाय भी बताए गए। अब देखिए कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन और कर्ज से मुक्ति प्राप्ति, अच्छा धन की मुक्ति अर्थात कोई कर्ज मुक्त होता है, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए उनको सुख समृद्धि के लिए मछलियों को दाना खिलाना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात जो भी ग्रस्त जीवन है या फिर कोई भी महिला पुरुष बच्चे हैं, अगर उनको किसी भी तरह से उपाय करना धन प्राप्ति है तो ये जरूर उपाय करें कि मछलियों को आप दाना दें। अर्थात किस प्रकार का दाना दें कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो चीज़ आप स्वयं बनाते हैं, अगर आप में कुछ पीड़ा है, जैसे कि आप बीमार हैं, अगर आप स्वयं गोली लेंगे तो आप ही ठीक होंगे, कहने का तात्पर्य है। आप ऐसा नहीं कि कहीं से बाहर से उठा के ले आए कुछ बनी बनाई चीज़ और फिर डालते हैं। देखिए प्रेमी भक्तों, जब तक देखिए आप बीमार है तो आप गोली लेंगे तो आप ही ठीक होंगे, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा अगर ये धन प्राप्ति है। अब देखिए क्या होता है प्रेमी भक्तों कि आप घर पे ही थोड़ा सा आटा ले, आटे उसे आटा लेके उसे गूंथे अपना हाथों से, उसमें शक्कर के दाने डाल दे, मीठा कर ले अगर उनको, और जब भी आप आटा गूंथने की प्रक्रिया करते हैं तो विष्णु भगवान का नाम ले, माँ लक्ष्मी का भी नाम ले,
और ये कामना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे प्रभु राम, हमारे जीवन में थोड़ी सी आर्थिक समस्याएं चली आ रही है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपका भोजन है और आपको ही समर्पित कर रहा हूँ, तो कृपा करके हमारे घर में जो धन से जुड़ी समस्या है उनको, उनके मार्ग जरूर खोले, अर्थात हमारे धन प्राप्ति के जो स्रोत है उनको, उनमें बाधा आ रही है जिनको ख़त्म करें, नष्ट करें। तो ऐसी कामना रखते हो आप, आटा गूंथते रहो, प्रभु राम 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 उनका निरंतर जाप करते रहे, ठीक है। इस प्रक्रिया में आपका राम नाम टूटना नहीं चाहिए, आप निरंतर करते रहे। और घर वालों को विशेष तौर पे बता दीजिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ और ये मैं मछलियों को डाल रहा हूँ जब तक मुझको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और ऐसा समय चुने कि जब आपको कोई विशेष रूप से कोई आपको परेशान भी ना करे और कोई आपसे ऐसे आपका जो कार्य है वो टूटे ना। अब देखिए, ये इतवार के दिन सबसे अच्छा होगा, जो क्योंकि काफ़ी जने लोग काम भी करते हैं, अर्थात ऑफिस जाते करते हैं, बिजनेसमैन है, तो इस समय आप संडे के दिन भी ये करें तो सबसे उचित होगा। अब देखिए, आप करते रहते हैं, अब आप हाथ से गूंथे हुए, अब आप जब कहीं पर आप मछली होती है कोई पानी में, नाले में, कहीं पर भी, किसी जगह भी, नदी नाले कहाँ पर भी, आप ये मनोकामना करके उसको जब आटे की गोलियाँ डालते हैं, तो यही मनोकामना अपने मन के भीतर रखें कि हे माँ लक्ष्मी, हम हे मत्स्य अर्थात विष्णु भगवान श्री हरि को आप ये कह रहे हैं कि हमारे धन से जुड़ी जितनी भी बाधाएँ, ग्रह नक्षत्र, हमारे ग्रह दोष है, हर तरह की चीज़ मांग ली आप, ऐसी बिल्कुल छोटी मनोकामना मत मांगे, मांगे तो पूरा ही मांग लीजिए एक बार में, कि जो भी आपके जीवन से जुड़ी समस्या है वो सही करे, यानी ठीक करे, उनका नाश करे, जो भी जीवन मेरे जीवन से जुड़ी समस्या है, धन प्राप्ति, बिजनेस, विवाह को लेकर जितनी भी परेशानियां, उनके बारे में विशेष रूप पर करके आप डालें, तो आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात आपके धीरे धीरे ये, यानी आपके ये बाधाएं नष्ट होने लगेगी और आपको धन प्राप्ति के जो आप जहाँ से आप धन कमाते हैं उनके मार्ग प्रशस्त होने लगेंगे, खुलने लगेंगे और धन अर्जित होने लगेगा उन मार्गों से। तो प्रेमी भक्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे आप करके देखें, और अगर ये आपको उपाय बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और विशेष रूप से लाइक ज़रूर कीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि दिखाई देती है तो विशेष रूप से बता सकते हैं हमें, अगर इसमें कुछ त्रुटि होती तो हम भी इसमें सुधार करेंगे। तो प्रेमी भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नया आए हैं जय श्री राम आपका सहयोगी, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रेमी भक्तों, आपसे हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ और नए तथ्यों के साथ, तो जय श्री राम प्रेमी भक्तों।